के स्टैंड पे मौजूद है कलाम। यार आप लोगों को दिखाएं। और अब इतने झूले तो मैंने बचपन में नहीं लिए थे जितने मुझे अभी मिले। सिट डाउन। और क्या वादी है, क्या नजारे हैं। और ये कश्तियां जो हैं यहाँ के जो लोकल्स हैं वो यहीं इन्हीं खेमों में रहते हैं। मुझे 10,000 रुपए दे दें। हाँ तो हमारे पीछे जो आप शोर सुन रहे हैं और ये जो आवाज आ रही है ये है दरियाए सवाद और हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं कलाम। तो जिन लोगों को नहीं पता हम लोग कलाम कल रात को पहुंचे हैं। बहरीन में हम लोग एक रात रुके थे और बहरीन से तकरीबन 1.5 आवर दूर कलाम मौजूद है। और कलाम तुम लोग बहुत खूबसूरत है और मुझे पता है मैं हर पाकिस्तान के शहर और जगह के बारे में ये कह रहा हूँ कि क्या खूबसूरत, क्या दिलकश, क्या बेहतरीन जगह है। लेकिन वाकई में सही मायनों में हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और जिन लोगों को नहीं पता हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को बताएं, उन लोगों के लिए आसानी पैदा करें ताकि वो अगली छुट्टियों में कहीं ना जाएं, सिर्फ पाकिस्तान आएं। तो आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे कलाम से और जाएंगे मस्जिद ऊपर जो कि तकरीबन 2 घंटे दूर है। एक बहुत यहाँ पे मशहूर लेक है जिसका नाम है महोदन लेक और दूसरी जो है वो कंदोल लेक है। तो हमारा प्लान ये है कि हम दोनों कवर करें आज। और दरियाए सवाद मेरे पीछे बह रहा है, खूबसूरत सा सूरज बाहर निकला हुआ है, क्या शानदार सुबह का आगाज़ हुआ है। सुबह के मेरे ख्याल से 7:30 हो रहा है, हम लोगों ने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, नाश्ता आएगा, उसके बाद अंडे पराठे फोड़ने के बाद हम लोग अपने रास्ते पर गामजन हो जाएंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। तगड़ा देसी नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े अपनी जर्नी पे और हमारा पहला स्टॉप था ओशू ब्रिज जो कि तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था कलाम से। यहाँ पे प्यारे रंग बिरंगे फूल थे, नीला पानी था जिसका शोर वाकई में कानों को बहुत अच्छा लग रहा था और प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे थे जो अंडे बेच रहे थे। तानी, क्या कर रहे हो? मैं सभी सो गए इतना यार। हमारा नॉर्दर्न बॉय इधर सो गया था। पूरा आसमान है, साफ साफ बहता हुआ दरिया का पानी है और ओशू ब्रिज हमारे पीछे है, हमें और क्या चाहिए? तो हम लोग अभी जिस जगह हैं ये जगह कहलाती है ओशू और ये सामने द फेमस ओशू ब्रिज है। अगर इंतजार आप लोगों को दिखाएं और अभी हम लोग अपने रास्ते पर गामजन हैं। हम लोग जा रहे हैं महुमन लेक जो कि यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे दूर है और बीच में इस तरह की बड़ी फिट किस्म की जगहें आएंगी और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर रुकें और वहाँ की जो भी लोकल चीज़ें हैं जैसे उबले हुए अंडे हैं, पकौड़े हैं, चटनियाँ हैं, ये सारी चीज़ें खाएँ और आप लोगों को भी सैर करवाएं उन सारी जगहों की। यहाँ पे ढाबा बना हुआ था ऊपर जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश फार्म की ट्राउट मछली जो इसी दरिया से ये लोग पकड़ते हैं और यहाँ पे पकाते हैं वो मौजूद है, वो मिल रही है गर्मा गर्म। उसके अलावा यहाँ पकौड़ों का इंतज़ाम है, यहाँ पे चटनियाँ हैं, यहाँ पे बैठने का प्रॉपर फुल ऑन इंतज़ाम किया हुआ है इन लोगों ने और जगह तो है ही फिर मतलब ये दे दो बादाम। इतने झूले तो मैंने बचपन में नहीं लिए थे जितने मुझे अभी मिले। इधर करो क्या पराठों में नहीं आए हो? अच्छा फिर आपको झूले का पता उसमें चलता है। उसमें तो ऊपर नीचे हो रहा है, ये छतरी लगाई हुई है। इनाया तो जब से हमने सवात एंटर किया था मेरे पापा का मुस्तकिल ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ रहा था कि बेटा नाश्ता भूल जाना, डिनर भूल जाना, लेकिन ट्राउट मछली खाना नहीं भूलना बिकॉज़ ये सबसे लजीज और महंगी मछली है इस रीजन की। और आखिरकार फाइनली हमें मिल गई ट्राउट मछली और वो कैसी ट्राउट मछली थी ये अब देखेंगे आप। सारी पुरानी यादें जो बचपने की हैं वो सारी अभी यहाँ पर ताज़ा हो गई हैं, मतलब एकदम से जो है वो फ्लैशबैक चले मेरे दिमाग में।
तो ये मछली जो है ये ट्राउट है, लेकिन ये यहाँ पे पॉन्ड में इन्होंने तालाब सा बनाया हुआ इसके अंदर है, तो ये फार्म की है। हाँ। ये उतनी फ्रेश नहीं है जितनी ये इन्होंने यहाँ पे देखची में रखी हुई है, ये बिल्कुल अभी इन्होंने यहाँ पे पकड़ी है और ये बिल्कुल खालिस और फ्रेश मछली है, हमने यही अभी बनवाई है मम्मा मेरे ख्याल से किचन में कहीं है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये सेटअप, ये जो सिस्टम है ना। तो क्या ये शानदार किस्म के नज़ारे देख के आप सबका दिल नहीं चाह रहा कि आप सब भी सवात का रुख करें, और ख़ास तौर पे सवात अगर आ रहे हैं तो महुडंड लेक आना ना भूलिएगा। महुडंड लेक पहुंचने तक का सफ़र जो था वो नहायत ही खुशगवार, प्यारा और एडवेंचरस था। खुशगवार इसलिए क्योंकि रास्ते में हमें दीगर पॉइंट्स नज़र आए जिनमें से सरे फहरिस्त है उशू ब्रिज, क्या चारपाई थी, क्या पलंग था, खुले आसमान के नीचे आराम से लेट के खैर। उसके अलावा जंगल है क्योंकि जंगल इनकी ट्राउट मछली जो है वो बहुत ज़ोरदार थी, और रास्ते में बड़ी वाटरफॉल मिली जहाँ पे सामने ही किसी ने कॉफी का ढाबा लगाया हुआ था। तो भाई सोचो वाटरफॉल और कॉफी, मतलब समझ रहे हो ना यार। और प्यारा इसलिए क्योंकि जो कंपनी थी वो बहुत क्लासिक थी, मेरी बीवी थी, मेरी बेटी थी, मेरे माँ बाप थे, और हमें क्या चाहिए यार। और एडवेंचरस इसलिए क्योंकि गाड़ी में उछल उछल के हमारे फेफड़े और हमारे कलेजे मुँह में आ गए, लेकिन यार इसी सब का तो मजा है। 200 दुआ कर के अल्लाह इतना दे मुझे कि 10,000 क्या दे। देखें ये मेरी अम्मा है, ये बहुत मज़े की हैं, ये मुझे पैसे देती रहती हैं, ये बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। हेलो हाउ आर यू, गुड गुड गुड, सिट डाउन। हाँ तो मड़ा हम लोग इस टाइम पे पहुंच गए हैं चश्मे शिफा, और इसकी मकबूलियत की वजह ये है, मेरे एक्सेंट को पता नहीं क्या हो गया, मैं यहाँ आके मुझे लगता है मुझे यहाँ पे हवा लग गई है। तो हम लोग जा रहे हैं चश्मे शिफा से होकर मामंद लेक, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 मिनट दूर है। हाँ मामंद क्या थकी। तो ये है चश्मे शिफा हमारे पीछे, हम लोग यहाँ जल्दी से रुके हैं 5 मिनट के लिए क्योंकि यहाँ का पानी जो है इसमें बहुत शिफा है, कहते गई हैं यहाँ के लोकल्स। इंतसाल ने भी अभी पिया है, इंतसाल की आँख मैंने सिर्फ पिया नहीं है, मैंने इसको लेके अपनी आँख में मला, बिकॉज मेरी आँख में कोई बीमारी हो गई है, मतलब मुझे कोई मसला हो गया तो वो ठीक दाना हो गया था इंतसाल के, तो इंतसाल ने अभी जल्दी से लेके ठंडा यख पानी है इससे मुँह धोया है, और आई थिंक वो मीठा भी है, मीठा तो होगा क्योंकि चश्मे का पानी और बहता हुआ पानी है। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं महुडंड लेक, और ये सवात का बिल्कुल आखिरी पॉइंट है। गर्मा गर्म चाय की प्याली है मेरे हाथ में, इम्तिसाल ने अभी पकोड़े फोड़े हैं उसके साथ चाय पी है, और क्या वादी है, क्या नज़ारे हैं, कश्ती खड़ी है हमारे पीछे और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा है, खूबसूरत मंजर है भाई। और अभी यहाँ जो भाई काम करते हैं उन्होंने हमें बताया कि ये कराची से मतलब अबव सी लेवल 9,300 फिट की बुलंदी पर है, तो अच्छी खासी ऊँचाई पर है ये जगह। रास्ता जो था वो काफ़ी पथरीला ऊँची नीची रोड थी, हमने यहाँ पे जो लोकल हैं उनको हायर कर लिया था और उसकी गाड़ी में हम यहाँ तक पहुँचे। अपनी गाड़ी में आना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आपके पास SUV है तो आप आ सकते हो, अगर नहीं है SUV तो फिर मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगा कि यहाँ के लोकल्स जो हैं उनके साथ आएँ, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो आदी होते हैं इन रोडों पर ड्राइव करने के। अभी भाई ने बताया कि यहाँ से ऊपर एक दो और लेक्स हैं, तो हमारा प्लान ये है कि हम वहाँ पर भी जाएँगे। एक जो है वो सैफुल्ला के नाम से है, वो भी बहुत खूबसूरत है, और ये लेक की जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके चारों अतराफ जो है वो पहाड़ हैं, और दो जो पहाड़ हैं वहाँ पे अभी तक जो है वो बर्फ पड़ी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, जबकि सितंबर का महीना चल रहा है और गर्मियाँ बिल्कुल इख्तिताम पे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे बर्फ़ के नामो निशान हैं। ऐसी जगहों को लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है, मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मेरे ख्याल से आप लोग देखेंगे और वादी सवात के मज़े उठाएंगे और हमारे साथ सैर करेंगे, क्योंकि यही हमारा गोल है, हम यही चाहते हैं कि हम खुद भी घूमें और आप लोगों को भी अपने साथ घूमें। अब यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे झील सैफुल्ला, और दूसरी झील का नाम आपने बताया था नसीरुल्ला, क्या नाम है, शानदार नाम है, नाम ही इतना अच्छा है तो लेक कितनी खूबसूरत होगी। तो चलते हैं, तो बाहर बारिश हो रही है,
और अंदर पकौड़े खाए जा रहे हैं, पकौड़े खाए जा रहे हैं। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ये खूबसूरत सी रंग बिरंगी कश्तियाँ भी हैं, और ये कश्तियाँ जो हैं यहाँ के जो लोकल्स हैं वो यहीं इन्हीं खेमों में रहते हैं और वो आपको पूरी झील की सैर करवाते हैं। यहाँ पे एक और झील है सैफुल्ला झील के नाम से, जो कि बिल्कुल महमन लेक से मेरे ख्याल से 10-15 मिनट जो है वो दूर है। तो अगर आप लोग फैमिली के साथ हैं तो आप लोग आराम से यहाँ पे खेमों में रात कयाम कर सकते हैं और ठहर सकते हैं। बड़े खूबसूरत रंग बिरंगे खेमे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, ढाबे हैं जहाँ पे चाय खाने पीने का हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है इन्होंने। और हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। यहाँ के लोकल्स ने अभी बताया कि ये काली घटा जो है ये हो सकता है कि अभी 10-15 मिनट की तेज़ फर्राटेदार जो है बारिश हो, तो देखते हैं।